इस वीडियो में हम लोग लेसन 9 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी होता है भेदभाव। इस पोयम में बहुत ही खूबसूरती से भेदभाव के बारे में बताया गया है कि कैसे कवित्री के साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है, और उनसे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, ये सब का अच्छे से वर्णन किया गया इस कविता में। चलिए वार्मर पढ़ लेते हैं। वार्मर लिखा हुआ, ऑल ऑफ अस आर इक्वल, हम सभी समान है। समान है मतलब क्या, हम सभी को एक ही प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो किस रूप में समान है, अधिकारों के रूप में समान है कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। बट सम पीपल थिंक दे आर सुपीरियर टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। तो बोला जा रहा है हम सभी समान है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि वे सभी राष्ट्र, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर दूसरों से श्रेष्ठ हैं, ठीक ना। कुछ लोग सोचते हैं ना कि हमारा राष्ट्र महान है तो दूसरे राष्ट्र वालों के साथ हम अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक है, उनको हम उतना मान सम्मान नहीं देंगे जितना अपने राष्ट्र के लोगों को देते हैं। तो ऐसा बहुत ही गलत बात है। जैसे अगर हम सब सोचने लगे कि जो भारतीय है वही बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ है, ऊंचे कुल के हैं, बाकी जो अमेरिकन है, ब्रिटिश है, नेपाली है, ये सब के नीचे कुल के हैं, तो उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए, उतने अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो ये गलत बात है। रिलीजन, धर्म, तो धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है, ठीक है ना, धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है। जैसे बहुत सारे जो नीचे सोच वाले होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई हिंदू है, वो नीचे सोच वाला है, तो वो दूसरे धर्मों के साथ क्या करता है, भेदभाव करता है, दूसरे धर्म के लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार, अच्छे से पेश नहीं आता है, और उनको उनके अधिकारों से वंचित रखता है। कास्ट, जाति के आधार पर भी बहुत पहले भेदभाव होता था, बहुत ही कम होता है, ठीक है। नीची जाति के लोगों के लिए तो अब आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे तो कर दिए थे, ताकि इन नीची जाति के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाए और वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके और तरक्की कर सके, अपना जीवन स्तर सुधार सके। तो पहले क्या होता ना, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता था। जो अभी बोलते हैं ना शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST, तो SC ST के जो लोग थे, जैसे डोम, चमार, धोबी, तीन सभी को एकदम नीची जाति के लोग मानते थे और इनको उतना सम्मान नहीं मिलता था जितना ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को मिलता था, ठीक है। और इतना तो होता था कि इनको कुआं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, जहां पर ब्राह्मण घर की जो औरतें पानी लेने आती थी, ब्राह्मण घर की, क्षत्रिय घर की, वैश्य घर की, तो उस कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, किसको, नीची जाति के लोगों को। और यहाँ तक भी होता था कि जो ब्राह्मण लोग है ना, अगर नीची जाति के लोगों की परछाई भी उनसे ठिक जाता था तो वो नहाते थे, खुद पर गंगा जल छिड़कते थे। तो जाति के आधार पर बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था हमारे यहाँ। और जेंडर, लिंग, तो लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है। जैसे कोई लड़की है तो उसको उतने अधिकार नहीं मिलते हैं घर में जितना पुरुषों को मिलते हैं, ठीक ना। पहले तो ये बहुत ज्यादा था, महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, ठीक है, बोलते थे कि चार दीवारी में तुमको रहना और घर के सारे काम करना, जो भी करना है चार दीवारी के अंदर ही। उनको ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था और लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध नहीं कराया जाता था। बहुत सारी लड़कियों को क्या कम उम्र में शादी हो जाता था और उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, कई लड़कियों का, कहीं को भेजा जाता था तो क्या, तो 10वीं तक ही 8वीं तक ही पढ़ा के शादी कर दिया जाता था। इस प्रकार से जेंडर, लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता था। अब तो ये बहुत ही कम हो चुका क्योंकि सरकार ने लड़कियों के लिए एक स्पेशल व्यवस्था कर दी, ठीक है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था, इस तरह से बहुत सारी व्यवस्थाएं लड़कियों के लिए कर दी है, जिसके कारण लड़कियां अब उस शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है और बहुत पढ़ लिख रही है। तो इस प्रकार बोला जा रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि वे सभी राष्ट्र, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर क्या श्रेष्ठ है दूसरों से, तो वे दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं। हाउ वुड यू फील इफ यू आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दीज ग्राउंड्स, बोला जा रहा है कि आप कैसा महसूस करेंगे अगर इन्हीं आधारों पर आपके साथ भेदभाव होगा, तो अगर आपके साथ भेदभाव होगा राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर,
तो आप कैसा महसूस करेंगे? तो यार सी बात है, खराब महसूस करेंगे, आत्मस्वाभिमान नीचे गिर जाएगा, गुस्सा आएगा समाज के प्रति, तनाव आएगा, डर बढ़ जाएगा, तो ये सब हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है, रीड दिस पोयम एंड फाइंड आउट द पेन दैट द पोएट फील्स। इस कविता को पढ़िए और फाइंड आउट और दर्द का पता लगाइए जो कवित्री महसूस करती हैं। उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ तो कैसा महसूस करती है, इसी का हमें क्या करना, पता लगाना, उसी दर्द का पता लगाना इस कविता को पढ़कर। ये कविता लिखे कौन है? जेनेट एस वाटफोर्ड, एक पोइटेस है यानी कवित्री है, फीमेल है। चलिए कविता पढ़ते हैं। लिखा बा, वॉक थ्रू द हॉल विद एवरी आई ऑन मी सराउंडेड बाय फोर वॉल्स। कवित्री कहती है, जब मैं हॉल से गुजरी जो चारों ओर से दीवालों से घिरा हुआ था, तो सभी की निगाहें मेरे ऊपर ही थी और बहुत ही अजीब तरीके से लोग मुझे निहारे जा रहे थे, मुझे घूरे जा रहे थे, क्योंकि मैं पूरे भीड़ में भिन्न मालूम पड़ रही थी। ठीक है, उनकी जो विचित्र निगाहें हैं वो मेरे अंदर उदासी और डर पैदा कर रहे थे। आखिर लोग मुझे बहुत ही विचित्र तरीके से क्यों देखे जा रहे हैं, क्यों घूरे जा रहे हैं। सराउंडेड बाय फोर वॉल्स, चारों ओर से दीवालों से घिरा हुआ, जो हॉल था चारों ओर से दीवालों से घिरा हुआ था। इसकी कहने का मतलब क्या है ना, कि उनको बचाने के लिए, उनको भेदभाव जो उनके साथ लोग कर रहे थे, तो उन सभी से बचाने के लिए उनका कोई भी रिश्तेदार और दोस्त उपस्थित नहीं था, तो कोई भी भेदभाव को रोक नहीं सका, सभी के सभी मजाक उड़ाने वाले ही उपस्थित थे। ठीक है, और अजीब तरीके से घूरने वाले ही उपस्थित थे वहां। कवित्री आगे बोलती है, एज फार एज आई कैन सी स्नीकर्स स्नीयर्स एंड लाफ्टर। कवित्री बोलती है, जहां तक मेरी निगाहें पहुंच सकती थी, मैं देखी कि लोग मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, लोग मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, मेरा हंसी उड़ा रहे हैं। और कवित्री बोलती है, जो खिलखिलाने की आवाजें हैं जो मुझे अपमानित कर रही थी, वो पूरे हॉल में गूंज रहे थे, तो मुझे स्पष्ट तरीके से मालूम पड़ रहा था कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और बहुत ही जोर जोर से हंस रहे थे, इतना जोर जोर से हंस रहे कि हॉल में क्या, जो लाफ्टर, जो खिलखिलाने की आवाज है, हंसने की आवाज है, जो अपमानित करने के लिए है यहाँ पर, हंसने की आवाज, वो पूरे हॉल में गूंज रहे थे। डिस्क्रिमिनेशन टू, फिर बोलते हैं कि वो मेरे साथ भेदभाव भी कर रहे थे, भेदभाव, जैसे बोल रहे हैं कि देखो वो कितने गंदे कपड़े पहने हुए, बड़े ही अजीब तरीके से ड्रेस पहनी हुई है, तो इस तरह से कह कह के उनको अपमानित कर रहे थे। तो कवित्री को ना बहुत ही बुरा महसूस हुआ जब वो देखे कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो कवित्री बहुत ही अपमानित महसूस की, निराश महसूस की, उदास महसूस की। ठीक है, जो आत्म सम्मान है वो नीचे गिरता गया, और बहुत ही लोगों से अकेला महसूस की। वो सोच रही थी, कोई काश मेरे साथ होता जो इस भेदभाव को होने से रोक सकता, और वो सोचने लगी, साथ मेरे साथ कोई होता तो मैं अपने दिल की व्यथा उसको बता पाते। तो इस प्रकार से वो अपमानित, निराश, उदास और कम स्वाभिमान वाला महसूस करने लगे, और बहुत ही अकेलापन महसूस करने लगे जब वे हॉल से गुजरे। फिर कवित्री आगे बोलती है, टॉन्टेड फ्रॉम ऑन आफ्टर बिकॉज आई एम नॉट लाइक यू। कवित्री बोलती है कि तुम सब बार बार मुझे ताने मारते हो क्योंकि मैं तुम सब की तरह नहीं हूं, यही कारण है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में क्या, सभी को अधिकार मिला हुआ, जो भी वस्त्र पहनना चाहते हैं, जो भी धर्म अपनाना चाहते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, ठीक, उनके साथ भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, वो समानता के आधार पर ही स्थापित है। तो कवित्री बोलती है कि मेरा जो व्यवहार है तुम सबसे भिन्न है, मेरा वस्त्र तुम सबसे भिन्न है, मेरे जो सोचने विचारने का तरीका भिन्न है, यही कारण है कि तुम मुझसे भेदभाव करते हो, और बार बार टॉन्ट, टॉन्ट मींस होता है ताना मारना, और तुम सब बार बार ताना मारते हो और मुझे ताना मार मार के अपमानित करते हो, यही कारण है ना, कि सिर्फ आई एम नॉट लाइक यू, मैं तुम सबकी तरह नहीं हूं। कवित्री आगे कहती है, आई एम डिफरेंट सो यू शन मी, शन मी होता है से दूर रहना, डिफरेंट मींस भिन्न। कवित्री कहती है कि मैं भिन्न हूं, मैं तुम सबकी तरह अपर क्लास से बिलोंग नहीं करती हूँ, हो सकता है कि मेरे बिलीफ अलग हो, मेरे जो विश्वास अलग हो, मैं किसी धर्म, दूसरे धर्म में विश्वास करती हूँ, हो सकता है मेरा रेस, मेरा वंश दूसरा हो, लेकिन हूं तो मैं एक व्यक्ति ही ना, तो तुम मुझसे क्यों दूर रहते हो। कवित्री कहती है कि मैं भिन्न हूँ इसलिए तुम सब मुझसे दूर रहते हो।
कहती हैं कि हो सकता है मेरा पहनावा अलग हो, मेरा खान पान अलग हो, मेरा वंश अलग हो, मेरी जाति अलग हो, लेकिन इस आधार पर तुम मुझसे भेदभाव नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते हो, क्योंकि एक जो व्यक्ति है वो क्या, वो सामाजिक है। एक आदमी सारा काम अकेले नहीं कर सकता, हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर इस समाज में आगे बढ़ सकते। लिव मी स्टैंडिंग इन द रेन, यू हर्ट मी दो यू सी। कवित्री बोलती है, जब बारिश हुआ तो तुम सब मुझे अकेले बारिश में छोड़ दिए और मैं भीगती रही भीगती रही। तो कवित्री के साथ इतना भेदभाव हुआ कि लोग उनको छिपने के लिए भी आश्रय नहीं दिए, बारिश से बचने के लिए भी उनको छिपने का कोई भी स्थान नहीं दिया गया लोगों के द्वारा, इतना ज्यादा उनके साथ भेदभाव हुआ। फिर कवित्री बोलती है कि यू हर्ट मी दो यू सी, जब कभी भी तुम मुझे देखते हो तो तुम सब मुझे ताना मार मार के मुझे क्या परेशान करते हो, मुझे अपमानित करते हो, मुझे क्या कष्ट देते हो, बार बार ताना मार कर। तो कवित्री को जब कोई भी देखता था ना, कहीं भी सड़क पर या फिर हॉल से गुजरते हुए कहीं भी, तो लोग जो है उनका मजाक उड़ाते थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा उनको अपमानित करते थे। डेट आई एम इन पेन, आई हेट डिस्क्रिमिनेशन। कवित्री बोलती है कि मैं दर्द में हूं, इस भेदभाव भरी समाज में रह रह के मैं कष्ट में हूं, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है जब लोग मुझे भेदभाव करते हैं। आई हेट डिस्क्रिमिनेशन, यही कारण है कि मैं भेदभाव से घृणा करती हूँ। तो कवित्री क्या करती है, वो भेदभाव से घृणा करती है, क्योंकि जो ये भेदभाव है ना, डिस्क्रिमिनेशन, वो किसी व्यक्ति में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न कर देता है, जैसे क्या फ्रस्ट्रेशन, जैसे निराशा हो गया, उदासी हो गया, शर्मिंदगी, गुस्सा। उस आदमी में क्या होता है ना, गुस्सा आने लगता है उस समाज के प्रति, वो सोचने लगता है कि कैसा भेदभावपूर्ण समाज है, ठीक है, इसमें जो नीची जाति के लोग हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं जिनको नीचा आंका जाता है, उसके लोगों को ना विशेष अधिकारों से वंचित रखा जाता है, जो लोकतंत्र में पूरी तरह से वर्जित है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कवित्री में ना नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं, निराशा का भाव, शर्मिंदगी का भाव, गुस्सा का भाव, उनका जो आत्मसम्मान वो डाउन हो जाता है और बहुत तनाव हो जाता है और बहुत उनमें डर पैदा हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या, इसलिए वो लोगों से मिलने से कतराती हैं, क्योंकि जब भी लोग उनको देखते थे तो क्या मजाक उड़ाते थे, बहुत ही ताना मार मार के उनको दुख देते थे। यही कारण है कि कवित्री में ना डर पैदा हो गया और दूसरों से क्या दूर रहने लगे, और इस प्रकार उनमें क्या लोनलीनेस, अकेलापन आ गया, ठीक है। इस प्रकार से भेदभाव उनके जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया। कवित्री कहती है कि मैं भेदभाव से घृणा करती हूँ, क्योंकि ये जो भेदभाव है वो समाज में घृणा पैदा करता है, लोगों के बीच में क्या समूह समूह उत्पन्न करता है, मतलब लोगों को क्या एक दूसरे से दूर करता है, और इस भेदभाव के कारण जो मानवीय शांति है वो खतरे में पड़ती है, लोगों में असहिष्णुता की भावना धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है। इसलिए बोलते हैं कवित्री कि हम सभी लोकतंत्र में रहते हैं तो हम सभी को एक ही अधिकार दिए गए, चाहे हम सब किसी भी जाति धर्म के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो समानता के आधार पर ही क्या स्थापित किया गया, तो भेदभाव पूर्णता वर्जित होना चाहिए। कवित्री आगे बोलती है, अमंग द वर्ल्ड आई सी, बोलती है कि दुनिया में कहीं भी अगर मैं भेदभाव होते हुए देखती हूँ तो मैं उसे घृणा करती हूँ, भले वो मेरे देश में हो चाहे वो किसी दूसरे देश में हो, कहीं भी अगर लोगों के साथ भेदभाव होता है तो मैं उसे घृणा करती हूँ और मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। इफ वी आर ऑल वन नेशन वाई डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मी। कवित्री बोलती है कि हम सभी बहुत पहले एक ही राष्ट्र के थे, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगा ना, तो वैसे वैसे लोग ये दूसरे दूसरे जगहों पर जाने लगे, और फिर बाद में बोलते हैं कि हम सभी अलग अलग राष्ट्र के हैं, जो शरीर की लंबाई है, शरीर का रंग है, ठीक है, वो शरीर का ढांचा है, वो जलवायु के अनुसार परिवर्तन होने लगा, फिर लोग बोलने लगे कि हम सब अलग अलग राष्ट्र के हैं, अलग अलग वंश के हैं। तो कवित्री यही बोलती है, इफ वी आर ऑल वन नेशन वाई डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मी। कवित्री बोलती है अगर अगर हम सभी एक ही राष्ट्र के हैं तो आखिरकार क्यों मेरे साथ तुम सब भेदभाव करते हो। इस प्रकार इस प्रश्न के साथ कवित्री इस कविता का समापन कर देती है और इस दुनिया को एक प्रश्न दे जाती है, बोलती है कि आखिर हम सभी जब एक ही राष्ट्र के हैं
तो आखिर एक आदमी के साथ दूसरा आदमी क्यों भेदभाव करता है, और इस सोचने विचारने पर मजबूर करती है कि आखिर डिस्क्रिमिनेशन, आखिर जो भेदभाव है वो क्यों हो, जब सभी एक ही राष्ट्र के हैं तो।